I said, how are you all? Maybe I'm fine. What about you? I'm alhamdulillah, all right. Beta, aap group mein ek message kar dein ki sab class ko join kare. जी जी मैम आई थिंक हमने फाइलम एनिमेट से जो है वो स्टार्ट करना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फाइलम एनिमेट्स हुआ था. अभी बेटा आपको याद है लास्ट हमने लेक्चर कहाँ तक किया था? आई थिंक फाइलम एनिलिड्स तक जो है वो हुआ था. एनिलिड हमें शुरू करना था. यस मैम. सीमा एनिलिड हो गया था या होना है? मैम आपने कुछ करवाया है मगर कंप्लीट नहीं हुआ है. ये वाला लेक्चर करवाया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिड्स? नहीं मैम. नहीं हुआ था मेरे ख्याल से. ये आज हमें करना है. यस मैम. आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी मैम. मैम वैसे बाकी लास्ट से ना इसके बाद तो क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मैम एक ये चैप्टर है एक और है फिर ये सिलेबस खत्म. यस एग्जैक्टली. मॉलस्कन भी हो चुका है हमारा और एनिलिड्स है और एनिलिड्स के बाद एक और फाइलम है जिसे हमें कवर करना है. यस मैम. So today we are going to discuss about the phylum Annelida. That what are the annelids and what are the general characteristic and other physiological characteristic of annelids. First of all, general characteristics of phylum Annelida. These are various characteristic of annelids. First of all, annelids. The word annelid come from the annulus. It means a little ringworm. Annelid को annelid इसलिए कहा जाता है कि उसकी body जो है वो छोटे छोटे rings की form में divided है जिन्हें हम annulus कहते हैं. These phylum, these animal belongs to the kingdom Animalia, means के phylum kingdom Animalia के अंदर आ जाता है. Its habitat यानी कि इसकी रहने की जगह जो है वो क्या है? These are mostly aquatic, but few are terrestrial. यानी कि ज़्यादातर इनकी जो स्पीशी है वो पानी में रहती है लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि terrestrial है. And few are free living. और कुछ जो है वो और इनकी जो हैबिट है नेचर जो है वो फ्री लिविंग है. जो नॉर्मली एनिमल्स होते हैं उनकी दो तरह की हैबिट हो सकती है. आइदर दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. पैरासिटिक वो जो अपने होस्ट के साथ डिपेंड करे और बदले में उसे हार्म पहुंचाए या ना पहुंचाए, दैट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पैरासाइट. जबकि ये जो है वो पैरासाइट नहीं है बल्कि फ्री लिविंग है. अपना खाते हैं पीते हैं घूमते हैं और अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं. देयर बॉडी
सिमेट्री, बॉडी का जो एंगल है दैट दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, मींस दे कैन कट इनटू टू इक्वल हाफ. देयर बॉडी कैविटी, they are having a body cavity, a true body cavity, so that's why they are termed as coelomate, means having a true coelom. Coelom, you know that ke coelom usse kaha jata hai jiske body cavity ho, space ho, aur space ke andar unke body ke internal organs maujood ho. So inke paas true body cavity maujood hoti hai, jabki isse pehle wale phylum ke andar pseudocoelomates the, means unke paas false body cavity maujood. बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. मेटामेरिकली सेगमेंटेड से मुराद इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है. मेटामेरिकली यानी कि सेम इक्वली पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी बॉडी है. दे हैव अ ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स देयर बॉडी ऑर्गन सिस्टम आर वेल डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज इन देयर बॉडी. They are triploblastic, means they have a three germ layer. One is ectoderm, endoderm and mesoderm. यानी कि तीनों इनकी बॉडी के लेयर्स मौजूद होते हैं. इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. Their body possesses three separate section, prosomium, a trunk and a pygidium. यानी कि इनकी बॉडी के तीन हिस्से होते हैं. सबसे आगे वाला जो हेड रीजन होता है दैट इज कॉल्ड प्रोसोमियम. बीच में जो ट्रंक इनकी पूरी बॉडी की जो जिसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं सेंटर पार्ट, और पिग्मीडियम इनका जो है वो थर्ड बॉडी पार्ट है. के बाद दे हैविंग अ डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज कंप्लीट, मींस कंप्लीट से मुराद दे हैव बोथ माउथ, एनस एंड माउथ. सो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होती है एनस टू माउथ टू एनस. देयर रेस्पायरेशन मेथड इज जनरली थ्रू द बॉडी सरफेस, मींस दे टेक दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन. और इनका जो नर्वस सिस्टम है विच इज एंटीरियर टू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग, गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व. इनका जो नर्वस सिस्टम है वो इंटीरियर बॉडी के इंटीरियर साइड से मौजूद होता है. और किसकी शक्ल किसकी फॉर्म में मौजूद होता है, नर्व रिंग की फॉर्म में, गैंग्लियन की फॉर्म में और वेंट्रल नर्व कॉर्ड की फॉर्म में. जैसे कि आगे फिगर है उसमें मैं आपको समझाती हूँ. इनकी बॉडी जो है वो एक ही इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है ट्यूब that is called ventral nerve cord. उसमें से branches निकलती हैं, that branches is called ganglion. और वहाँ इस तरह से वो पूरी body में जो है वो इनका network system जो है वो फैला हुआ होता है. They excrete mainly through nephridia, means के इनका जो excretory body part है that is nephridia. They reproduce sexually and gonocrystic or hermaphroditic method. Reproduction इनके अंदर sexual होती है, यानी कि male and female mostly species के separate होते हैं, but few species are gonocrystic or hermaphroditic, means both sexes male and female organ present on the same body. So such type of animal are called hermaphroditic, also called gonocrystic. इसमें इनमें क्या होता है कि वैसे तो मेल के पास मेल पार्ट ऑर्गन होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, और फीमेल के पास सेक्सुअल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं. जबकि इनमें क्या होता है कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों, यानी कि एक ही जगह पे टेस्टिस भी मौजूद होते हैं और एक ही जगह पर ओवरीज मौजूद होती है, और फिर वो आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइटिक एनिमल्स. फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल भी होती है और समटाइम एक्सटर्नल भी होती है, यानी कि इंटरनली भी फर्टिलाइज करते हैं और एक्सटर्नली भी फर्टिलाइज करते हैं. देयर डेवलपमेंटल मेथड इज डायरेक्ट, मीन्स दे हैविंग नो लार्वल स्टेज, मीन्स पहला से होता कि लार्वा देन एडल्ट बनता है काफ़ी स्पीशीज में, लेकिन इनमें डायरेक्टली एडल्ट की डेवलपमेंट होती है और इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं आती. मेटामेरिज्म एंड सेगमेंटाइजेशन,
यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री, बॉडी लेयर, ऑल दीज थिंग्स, जो जो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस किया. नाउ जो इनकी इनकी बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म एंड टैगमेटाइजेशन. मेटामेरिज्म एंड टैगमेटाइजेशन के इनकी बॉडी के अंदर जो है वो इसे कहते हैं अ सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. किसी भी एनिमल के अंदर उसके बॉडी के हिस्सों की जो अरेंजमेंट है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. एज द नेम सजेस्ट दैट मेटा मींस आफ्टर, मर मींस पार्ट, वन पार्ट आफ्टर एन अदर पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. अर्थफॉर्म बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट. इनकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सीरीज रिंग्स की फॉर्म में होती है, और जिसे हम जो है वो मेटामर्स और एनुलस भी कहते हैं. सो दीज बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड इंटरनली. इट मीन्स के समटाइम ऐसा होता है, जिसके इससे पहले वाले फाइल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेप्टा है सिर्फ बाहर की हद तक है, सिर्फ स्किन पर निशान होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी